हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम टूर करने जा रहे हैं बाबा राम साबीर के दरबार, रामदेवरा ट्रिप पूरी फैमिली के साथ बस लेकर। तो चलिए आज हमारे साथ साथ आपको भी बाबा रामदेव जी का दर्शन करवाएंगे। ये हमारे बड़े भाई साहब, और ये बस चल पड़ी है धीरे धीरे। जैसे जैसे बस आगे बढ़ेगी सवारी बढ़ेगी, और बाबा राम साबीर के दरबार जा रहे हैं आज। फुल सीटा है ये, हमारी ढाणी से पूरी बस भर गई है। सभी जोर से जय बोलो बाबा राम साबीर की, रुणीचे के श्याम की। तो दोस्तों, रामदेवरा रूट पे ये पहला टोल आ चुका है, और ये टोल हमारे गाड़ी के ओनर जीतू भाई भरेंगे। देखिए ये फास्ट टैग का फायदा, फास्ट टैग से सीधा ऑटोमेटिक आपके टोल भर दिया जाएगा। और ये टोल खुल चुका है, हम आगे बढ़ चुके हैं सफर के लिए। तो दोस्तों, नीचे के सफर को आरामदायक बनाने के लिए जीतू भाई ने बस में संगीत चला दिया है, बाबा के मीठे मीठे भजन चल रहे हैं। और ये देखिए बस के कैबिन में सर्द लग चुकी है, लूडो के माध्यम से जीतने वाले चाय पिलाएंगे पूरी बस के सवारियों को। ये हमारे देखिए खिलाड़ी सभी लूडो में व्यस्त है, और जो जीतेगा वो सभी के लिए चाय की व्यवस्था करेगा। सभी खिलाड़ी वेट कर रहे हैं कौन जीतेगा। कौन जीत रहा है भाई, कौन जीत रहा है? अभी किसी का पल्ला भारी नहीं, अभी गेम स्टार्ट हुआ है। अभी गेम चल रहा है, तो देखते हैं जो परिणाम आएगा आपको जरूर बताएंगे। अब हम कोई गांव क्रॉस कर रहे हैं, जोधपुर से जैसलमेर की सीमा में प्रवेश करने जा रहे हैं धीरे धीरे। और यहां पर हम आपको दिखाएंगे पवन चक्कियां, जिनसे विंड पावर एनर्जी क्रिएट करती है गवर्नमेंट। तो काफ़ी बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं विंड पावर के, जो हम आपको दिखाएंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। सफ़र के साथ साथ हम आपको कुछ जानकारी भी दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, काफी बड़े स्तर पर पवन चक्कियां लगी हुई है, ये हवा के माध्यम से ऊर्जा जनरेट करती है, बिजली बनती है। अमूमन ये पहाड़ी इलाकों पर, ऊंचे इलाकों पर लगाई जाती है। पहाड़ी एरिया से के माध्यम से मुंडिया निकाल देंगे। तय हुआ था जो लूडो हारेगा वो चाय पिलाएगा। ये देखिए अब अपने सर के मुताबिक ये चाय पिलाने के लिए तैयार है पटवारी जी। हमने नाम नहीं बना तो मिला। अब हम होटल में रुक गए हैं चाय पीने के लिए। हाँ, बुन्नो सामने देखो। लूडो खिलाड़ियों की तरफ से चाय पकौड़े की व्यवस्था हो गई है, चाय पकौड़े की पार्टी चल रही है, चाय पकौड़ा वाली पार्टी इधर बैठी है। तो
नए पकौड़े आ चुके हैं। नहीं नहीं ना। और चूंकि हम खिलाड़ियों में शामिल नहीं थे, लेकिन ये बिल हमारे नाम का फटा है, देख लीजिए। ओशिया के बड़े और ज्यादा फेमस है ये, बड़े सर के बड़े हैं ओशिया में और बड़े जोरदार फेमस है। मैंगो जूस पी के टाइम पास करता हुआ, चाय की जगह मैंगो जूस को प्रायोरिटी देते हुए। दोस्तों लूडो का गेम आखिरी पड़ाव पर आ गया है, विजेता हमारे और इसके साथ तो अंतिम रूप से ये भागीरथ पराजित हुए हैं, खर्चे के हकदार बन गए हैं। तो दोस्तों हम जैसलमेर की सीमा में पहुंच चुके हैं, जैसलमेर के खूबसूरत दौरे नजर आने लग गए हैं। बस में लेडीज अपने संगीत के माध्यम से सफर का आनंद लेती हुई। तो दोस्तों हम पोखरण की सीमा में पहुंच चुके हैं और यहाँ से रामदेवरा अब ज़्यादा दूर नहीं है, बाबा के दर्शन शीघ्र ही करवाएंगे आपको। हालांकि वहाँ पर मंदिर में कैमरा प्रतिबंधित है, इसलिए हम बाहर से दर्शन करवा देंगे आपको मुख्य द्वार के, अंदर के दर्शन करने के लिए आपको स्वयं आना पड़ेगा। तो जीतू भाई, हमारे सवारियों को भूख लग चुकी है और यहाँ से आपको एक होटल पे स्टॉप करना है, बढ़िया होटल पे रोके आप जिससे सभी सवारी भोजन कर सकें। इनका लूडो गेम अभी भी चालू है, देखिए लूडो लूडो में इन्होंने पूरे रामदेवरा का सफर तय कर लिया है। तो फाइनली दोस्तों ये है पोखरण कस्बा जो रामदेवरा से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ हम एक अच्छी सी होटल देखकर भोजन के लिए रुकेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू आपके लिए बाबा के दरबार से दर्शन होंगे। काफ़ी फैला हुआ और व्यस्त का इलाका है पोखरण। पोखरण में एक किला भी बना हुआ है जिसे पोखरण गढ़ नाम से जाना जाता है। अभी हम पोखरण में ही चल रहे हैं, काफ़ी फैला हुआ शहर है, काफ़ी फैला हुआ विस्तृत बाजार है पोखरण का। तो ये पोखरण से अलग होकर रामदेवरा रास्ते की तरफ चल दिए हैं और अभी हम यहाँ पर रुकने वाले हैं दोस्तों। फाइनली बस रुक चुकी है और हम भोजन करने के लिए इस होटल पर रुके हैं। यहाँ भोजन करने के बाद हम पुनः सफ़र को निकलेंगे। यहाँ से रामदेवरा ज़्यादा दूर नहीं है, अब बाबा के दर्शन 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है। सभी सवारी उतर रहे हैं। ये सभी सवारी उतर चुकी है भोजन के लिए, सभी अब खाना खाएंगे। दोस्तों हमने भोजन कर लिया है यहाँ पर, अब चलेंगे ये वापस नेक्स्ट बाबा के दरबार। गुनू हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। तो दोस्तों भोजन कर लिया है, हमारे साथ में हैं ये होटल के ओनर भाई साहब। बहुत अच्छी सुविधा लगी हमें आपकी और बहुत अच्छी सुविधा है बैठने की, खाने की, भोजन की। आपको यहाँ पर इस होटल पर तीन तरह की वैरायटी मिल जाएगी, राजस्थानी, पंजाबी और काठियावाड़ी भोजन, गुजराती भोजन। तो जब भी आप पधारो रामदेवरा, बाबा के दर्शन
तो होटल का नाम मैंने जैसे शुरुआत में आपको दिखाया था, आप रुकें, भोजन करें, आपको खूब आनंद आएगा और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है इनकी। भाई साहब की बहुत बढ़िया लगा हमें और हमने यहाँ की छाछ भी पी, बहुत अच्छी छाछ है। ठीक है भाई साहब, बाबा के दरबार रामदेरा पहुँच चुके हैं और स्टॉप आ गया है, बस से सभी सवारी उतर रही है बाबा के दरबार में। साज भी देने वाले हैं, अब पहुँच चुके हैं रामदेवरा रुणीचा नगरी। हाँ, सबसे पहले प्रसाद लेंगे यहाँ से बाबा के दरबार में, प्रसाद लेने के बाद चलेंगे बाबा के मंदिर की तरफ। बाबा के दरबार में पहुँच चुके हैं और सभी प्रसाद ले रहे हैं भक्तजन। हम सभी परिवार जन बाबा की प्रसाद ही लेते हैं। ये काका श्री नेमाराम जी हमारे बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं आज सभी। चलिए अब आपको रामदेवरा के बाजार के दर्शन करवाएंगे। बाबा के दरबार में समाधि के दर्शन तो आपको हो नहीं पाएंगे, लेकिन मेले के दर्शन आपको जरूर करवाएंगे। समाधि दर्शन पे कैमरा मना है, इसलिए हम समाधि दर्शन नहीं करवा पाएंगे। तो ये बाबा राम जापीर के दरबार रामदेवरा का बाजार शुरू हो चुका है, रामदेवरा की सीमा। ये बाबा राम सफीर के दरबार के बाजार के नज़ारे हैं, काफी फैला हुआ और विस्तृत बाजार है बाबा राम सफीर के दरबार का। गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था, रास्ते के दोनों तरफ दुकानें लगी हुई है, बच्चे के खिलौने से लेकर फैंसी आइटम से लेकर स्टूडियो और बाबा की जीवनी से संबंधित भरपूर तस्वीरें इस मुख्य बाजार में आपको मिल जाएगी। काफ़ी मात्रा में प्रसाद की दुकानें भी हैं। बाबा के दरबार में मुख्य द्वार की तरफ जाते हुए ये हमारी दादी अम्मा खड़ी है बाबा के दरबार में हाजिर लगाने के लिए, बड़े भाई साहब पुखराज जी। नहीं नहीं ठीक सर है खिलौना। ये बाबा के द्वार पे मुख्य दरवाजे पे हम पहुंच चुके हैं, बाबा के समाधि के मुख्य द्वार के दर्शन आप सभी के लिए। जय बाबा राम साफीर की। बाबा की समाधि के दर्शन, जय बाबा राम साफीर। ये बाबा के दरबार के मुख्य हॉल का नजारा है, भक्तों की भीड़ एक कतार में चलते हुए। ये बाबा की समाधि के दर्शन वीडियो के माध्यम से आपके लिए, अंदर शायद फोटो अलाउ नहीं हो,
बाबा की समाधि के दर्शन। बाबा का घोड़ा बंद होगा, फिर वापस समाधि दर्शन के बाद आपको और दर्शन करवाएंगे। ये बाबा का मुख्य समाधि स्थल है, मुख्य मेला बाबा राम साबीर का दरबार, रुणीचा नगरी, जैसलमेर। ये हमारी दादी माँ है, हमारे साथ बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। आगे लगा दी, हाँ लगा दी, आगे लगा दी। के घोड़े की प्रतीक थी विभिन्न समाधियां बाबा के वंशजों की। बाबा राम सपीर के दरबार के दर्शन करने के बाद हम आपको ले चलते हैं बाबा राम सरोवर तालाब की तरफ, जहां पर कहते हैं कि सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है उसमें स्नान करने से। तो ले जाते हैं आपको। ये लोग यहाँ पर घरौंदे बनाते हैं, मेरे पीछे देख रहे होंगे, पत्थरों से घरौंदे बनाते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। तो कुछ मनोकामनाएं यहाँ पर जिनकी पूरी होती है वो सच्ची श्रद्धा और आस्था से शीश नवाने आते हैं। अब आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे राम सरोवर तालाब, बाबा राम साबीर के मुख्य मंदिर के जस्ट पास में स्थित है ये राम सरोवर तालाब। इस राम सरोवर तालाब में लोग नहाते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए।
अब इस तालाब में यहाँ आने वाले भक्तों के मनोरंजन के लिए बोटिंग की सुविधा चालू कर दी गई है। तो पीछे आप देख पा रहे होंगे नावें पड़ी है खूब सारी तालाब में, जहाँ पर कुछ शुल्क का भुगतान करके सवारी इस तालाब में भ्रमण का आनंद ले सकते हैं। चलिए हम भी चलेंगे एक नाव में। बाबा राम सरोवर के तालाब में देखिए कितनी खूब सारी मछलियाँ है बाबा के तालाब में। ये यहाँ पर रुद्र, विशाल, पटवारी जी सभी मछलियों को दाना डालते हुए। खूब सारी मछलियाँ इस तालाब में, खूब सारी मछलियाँ। ये देखिए सवारियों की सुविधा, मनोरंजन के लिए वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है बाबा के दरबार में। चलिए तो अब हम नाव में बैठ रहे हैं बाबा रामसा के तालाब में, वोटिंग का आनंद लेंगे। सभी फैमिली मेंबर आ गए हैं। अब ये शुरू होने जा रही है हमारी नाव रामसा पीर के तालाब में, अब हम वोटिंग का आनंद लेंगे। भाई साहब क्या है हाथ में सामने लोग बना रहे हो? रिक्शा क्या है हाथ में, क्या है? अरे मछली के लिए दाना। वेरी गुड यार। ये वोटिंग का आनंद, वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये बाबा रामसा पीर का मंदिर है, इस मंदिर के आस पास में ही है ये तालाब। खूब सारी मछलियां है इस तालाब में। बोलोगा ना, बोलना। जय बाबा रामसा पीर की जय हो। बिल्कुल टाइटैनिक वाली फीलिंग आ रही है। वोटिंग करके हम वापस आ चुके हैं, बहुत आनंद आया इस वोटिंग का। तो दोस्तों आप भी जब भी रामदेवरा पधारो तो इस वोटिंग का आनंद जरूर लें। ये बाबा राम सफीर के दरबार में है परचा बावड़ी। परचा बावड़ी के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्नान से सभी प्रकार की बीमारियाँ का निवारण हो जाता है। काफी गहराई में बनी हुई है परचा बावड़ी। यहाँ बैठे बाबा जी बता रहे हैं ये 150 फुट गहरी है, 700 साल पुराना इतिहास है, 700 साल पुरानी परचा बावड़ी है ये। और बताइए बाबा जी परचा बावड़ी के बारे में। ये खुदवाई थी पालीवाल समाज वालों ने, पालीवाल समाज वालों ने बनवाई थी। पानी निकल गया था खारा। अच्छा। उन्होंने बाबा से अरदास करी। हाँ। बोले बाबा पानी तो खारा है, क्या करें अब। हाँ। खीर भी खारी हो गई, रोटी भी खारी हो गई, आटा आटा सब बिगड़ गया। बोले बाबा ने भाला मार दिया। अच्छा। पानी को मीठा किया। अच्छा। समाज भी ले ली, स्नान किया। हाँ। जय रामा फिर बनाया, दलिया बन गए खीर। बोला तब से जो है पानी मीठा हो गया ना।
बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये बाबा जी ने इस पहाड़ी का इतिहास बताया आप सभी दर्शकों को। तो जब भी आप रामदेवरा पधारे हैं तो इस पहाड़ी के दर्शन जरूर करें। खूब सारी दुकानें लगी हुई है, खूब सारा अच्छा बाजार मेला भरा हुआ सा रहता है हर समय बाबा के दरबार में। ये मेले में भाभी जी खरीदारी करते हुए, भाभी जी क्या ले रहे हो? कुछ देख रहे हैं, पसंद आएगा। बच्चों के लिए खिलौने? बच्चों के लिए ये पंखा लिया है हमने। अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया। इधर हमारे ये दो भतीजे और पटवार जी और कुछ ले रहे हैं, क्या खरीदारी कर रहे हो? जूती खरीदारी कर रहे हो? ये बाबा के दरबार में सभी भक्तजन अपनी अपनी हाजिरी लगाने के बाद में मेला हासिल करते हुए। डीजे खरीदारी कर रही है, क्या लिया है? क्या लिया है बताओ अभी? ये तो खिलौने में क्या ले रहे हो? सिमरन क्या ले रही है? सिमरन ये नानू ने खरीदा है एक पंखा, नानू एक पंखा खरीदा है खरीदा है क्यों? पचास पचास। सभी खरीदारी कर रहे हैं भाई। ये डुकू के लिए लिया गया है डीजे। ये रामदेवरा बाबा के दर्शन कर लिए हैं, यहाँ का मेला भी घूम लिया है। हमारे साथ यात्री जो है अभी वो मेले में घूम रहे हैं आराम से। धूप बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं जल्दी वहाँ से निकल आया, वापस बस के पास जा रहा हूँ। अब हम बाबा के दर्शन के बाद नेक्स्ट स्टॉप आपको ओशिया में सच्चाई माता के मंदिर के दर्शन करवाएंगे, तो तैयार रहिएगा नेक्स्ट सूट के लिए। अरे मेला घूम लिया है, अब हम वापस रवाना हो चुके हैं ओसिया माता सच्चाई के दरबार के लिए। और सबने खरीदारी कर ली है, निकलने वाले हैं। तो निकलने से पहले एक बार बाबा राम सभी की जय बोलेंगे। बोलिए रुणी से के श्याम की, बाबा राम सभी की। बस में बच्चे बोरियत को दूर करने के लिए अंतराक्षरी खेलते हुए। ये हमारी दादी अम्मा सबको मेले की खर्ची देते हुए लाला। हैंग मारा
जंग मारा लो सा बच्चा बच्चा थारा अपने जवाइयों को देते हुए बच्चा बच्चा तीनों ही बोन और थारे हाँ दादी अम्मा के पास में खूब सारे पैसे हैं ये देखो सबको खर्ची दे रही है दादी अम्मा तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सज्जाई माता के दरबार जो कि स्थित है ओशिया में। अभी हम जस्ट पहुंचे हैं, पहुंचते ही सवारी थोड़ी समय के लिए आराम कर रहे हैं। कुछ सवारी जो है अभी बस से उतर रही है, तो जब सभी सवारी बस से उतर जाएगी तो हम चलेंगे माता के दरबार दर्शन करने। अगर वहाँ अंदर कैमरा अलाउ होगा तो आपको भी दर्शन करवाएंगे, नहीं तो मंदिर परिसर के बाहर से दर्शन जरूर करवाएंगे। तो अब आपको ओशिया सच्चाई माता के दर्शन करवाएंगे, मंदिर जाने का रास्ता। ये ओशिया माता के दरबार में जाने से पहले जो बाजार लगा हुआ है उसका दृश्य। दोनों तरफ बहुत ही सुंदर बाजार सजा हुआ है, सब हस्तशिल्प कारीगरी है, हाथों से बनाए हुए सारे आइटम। ये बच्चों के खिलौनों की दुकान। ओशिया का फेमस बाजार है, सूखे मेवे का फेमस बाजार। यहाँ पर हर किस्म का सूखा मेवा आपको मिलेगा, धनिया सौंठ अजवाइन जीरा सब कुछ, हर तरीके का जो है आपको देसी। देखिए इसके ऊपर रेट के टैग भी लगे हुए हैं, जो भी आप सूखा मेवा ख़रीदना चाहते हैं, केश सांगरी वगैरह अचार पापड़ सब कुछ आपको यहाँ मिलता है। ओशिया का बहुत फेमस बाज़ार है और बहुत पुराना बाज़ार है। कैसे भाई साहब, बढ़िया? जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। साहब हम आए हैं आपके ओशिया में बाज़ार में, माता के दर्शन के साथ साथ आपके इस दुकान के भी दर्शन हो गए। ये ब्लॉग आपके दर्शकों तक पहुँचेगा। तो हमारे साथ में दुकान के ओनर हैं सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र भाई। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, आपके ये दुकान जो है सर कितने समय से है यहाँ पर? 15 साल से है। बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं सर। यहाँ पर किस किस्म का मेवा वगैरह मिलता है? यहाँ पे मेन सूखी सब्जी का मार्केट है। अच्छा सर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। बहुत बढ़िया सर। इसमें पापड़ है, अचार है, चूरन है, मसाले है, ये सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। पूरे हिंदुस्तान में कोरियर की सुविधा है, घर बैठे कोई भी सामान। अच्छा, घर बैठे कोई भी कोरियर से भी अपना सामान चाहे ऑर्डर करके मंगवा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7785009000। ये सर ने जो नंबर बोला है मैं आपको इसमें नीचे मेंशन कर दूंगा। व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज डाल सकते हैं, आपको कहीं पे भी चाहिए 5 से 7 दिन के अंदर घर पे सामान डिलीवरी हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी सर्विस है। अभी हम पहले माता के मंदिर के दर्शन करके आते हैं, फिर सर से यहाँ से कुछ सूखा मेवा भी ज़रूर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप भी जब भी होशिया माता के दर्शन करने पधारें, सर की दुकान पर ज़रूर आए। नरेंद्र जी नाम है इनका, और यहाँ आपको हर तरीके के जो है वैरायटी के मसाले वगैरह मिल जाएंगे। ओके, है माता का दरबार, सच्चाई माता का दरबार। यहाँ प्रसाद की दुकानें हैं, आप यहाँ से प्रसाद लेकर माता के दरबार जा सकते हैं ऊपर दर्शन करने के लिए। चलिए हम आपको दर्शन करवाते हैं। ये माता रानी के पॉल बने हुए हैं, द्वार बने हुए हैं सब माताओं के नाम से। बहुत बढ़िया और भव्य मंदिर है।
ओशियम है, माता रानी का बहुत फेमस मंदिर है, सच्चाई माता धाम के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। देखिए कितने भव्य भव्य द्वार बने हुए हैं, काफ़ी द्वार बने हुए हैं, नौ देवियों के नौ द्वार बने हुए हैं। चलिए अब हम आपको दर्शन करवाते हैं माता रानी के, सच्चाई माता के। ये माता सच्चाई का दरबार है। चलिए माता रानी के दरबार। ये ओसवाल समाज की कुल देवी मानी जाती है माता सच्चाई, लेकिन सर्व समाज के लोग माता के मंदिर उनको भोग लगाने आते हैं। गुन्नी माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हुए चलिए माता रानी के दरबार। बहुत ही भव्यतम तरीके से बनाए गए मंदिर है ये, इतिहास में प्रसिद्ध मंदिर है। 10वीं शताब्दी के बने हुए गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। इनकी दीवारों पर की गई नक्काशी कलाकारी को आप देख सकते हैं। बहुत ही भव्यतम तरीके से ये कार्य उस समय किया गया था, जो अभी भी सीना तान कर खड़े हैं। भक्तों की अपार आस्था का फल है। देखिए माता रानी के मुख्य मंदिर का गुंबद, ये माता रानी का मुख्य मंदिर है दोस्त। ये है माता रानी का भव्यतम मंदिर, जहाँ पर माता रानी मुख्य गर्भगृह में विराजे हैं। ये माता रानी के दर्शन आप सभी भक्तों के लिए। काफी प्राचीनतम और भव्यतम मंदिर है ये माता रानी का। तो ये देखिए, यहाँ सच्चाई माता के मंदिर में सब फोटोशूट करा रहे। ये देखिए मंदिरों की भव्यतम कलाकारी, नक्काशी का कार्य देखकर आप भौचक्के रह जाएंगे। बहुत सुंदरतम तरीके से कार्य किया गया है। ये देखिए माता रानी के दरबार में सभी नौ देवियों के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। भक्तगण दर्शन करने आते हैं तब सभी मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। सभी मंदिरों की परिक्रमा करने से कहा जाता है भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मुख्य मंदिर के साथ नौ देवियों के मंदिर बने हुए हैं, जहां आप दर्शन कर सकते हैं माता रानी के। तो जब भी आप ओशिया पधारे, इस भव्यतम मंदिर के दर्शन लाभ को जरूर उठाएं। ये इधर भगवान गणेश का मंदिर, इधर भैरू बाबा का मंदिर। भविष्य में जब भी आप यहां दर्शन लाभ को पधारे, तो आपके निःशुल्क जूतों रखने की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। आप यहां अपने जूते जमा करवा कर दर्शन कर सकते हैं और पुनः दर्शन के बाद अपने जूतों को लेकर बाहर जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा है इस मंदिर परिसर में। के दरबार ओशिया गांव में हमारी सिस्टर निवास करती है, इनकी शादी यहां की हुई है। इनका नाम प्रेमलता है, जो ये यहीं पर रहती है। तो दर्शन लाभ देने के लिए हमारे साथ आ गए ये भी और इनके सहयोग से हमारे अच्छे दर्शन हो गए। बहुत भव्यतम तरीके से काम किया गया है दोस्तों इस मंदिर में। तो जब भी आप ओशिया पधारे, तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। ये मेरी आपसे विनती रहेगी, माता रानी को भोग जरूर लगा कर जाएं। जैसा कि कहा था भाई साहब नरेंद्र जी की दुकान से सामान खरीदते हुए दर्शन के बाद, ये कुंतिया
मारवाड़ के सूखे मेवे, सूखा साग जो कि बहुत फेमस है, कैर सांगरी कुमटिया, लोग बड़े चाव से खाते हैं, राजस्थानी लोग, मारवाड़ी लोग। ओशिया माता जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम ओशिया में स्थित रेस्टोरेंट में सभी चाय नाश्ते के लिए बैठे हैं। चाय नाश्ते की व्यवस्था की जा चुकी है, अब हम चाय नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पर सभी फैमिली मेंबर बैठे हैं आराम से। ये हमारे जमाई पक्ष, जमाई पार्टी बैठी है। पटवारी जी अभी तक चाय नहीं पी सके हैं, धीरे धीरे पी रहे हैं आराम से। चाय बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सर, चाय बहुत बढ़िया है। जब भी आप ओशिया पधारो तो ये रेस्टोरेंट है, इस यहाँ की चाय ज़रूर पिए। रेस्टोरेंट का नाम है माँ सच्चियाई भोजनालय। तो जब भी आप पधारो ओशिया तो यहाँ पर बैठने की बहुत सर्वोत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के नाश्ते का मेन्यू मिल जाएगा, सभी प्रकार का नाश्ता तैयार मिलता है। देखिए मेन्यू कार्ड आपके सामने है, लिखा हुआ है ऊपर सभी जगह, और वाजिब रेट में काफ़ी अच्छा नाश्ता आपको यहाँ मिल जाता है। सफ़र का पूरा आनंद लेती हुई नित्या खूब मौज मस्ती कर रही है आज। माता के मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं, अब आपको दिखाते हैं इस मंदिर से जुड़े हुए और इतिहासकालीन अवशेष। ये देखिए भव्यतम मंदिर, जो किसी ज़माने में शान हुआ करते थे इस नगरी की, आज खंडहर स्थिति में है। किसी समय की शान रहे ये स्मारक, जैसे कि एग्जाम्पल ये देखिए आप विष्णु मंदिर ओशिया। ये इस मंदिर से संबंधित इतिहास लिखा हुआ है, बहुत भव्यतम तरीके से ये मंदिर उस समय बनाए गए थे, काफ़ी देखने लायक कलाकृतियां हैं। जब भी आप यहाँ पधारे तो इन मंदिरों को ज़रूर देख कर जाए, आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। क्या खूबसूरत नक्काशी कारीगरी की गई है इन मंदिरों पर। जानकार हैं और इतिहास में रुचि रखते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। और ये हमारी बस है जो अब हम रवाना होने वाले हैं। मंदिरों के साथ साथ अगर आप ओश आते हैं और यहाँ के फेमस मूंग दाल के बड़े अगर मिस कर देते हैं तो फिर आपने ओशिया की यात्रा नहीं की। तो प्रस्थान के समय ये पकोड़े सभी यात्रियों के लिए, पकोड़े खाकर अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सभी सवारी ओशिया के फेमस पकोड़े खाते हुए, ये अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे लूडो खेल रहे थे। ये लूडो वाली पार्टी है, तो सवेरे मैच चल रहा था तो ये विश्वसनीय के समय ये लूडो वाली पकोड़ा पार्टी चल रही है। ओशिया के फेमस पकोड़े हैं, सब भी आए आप जरूर खाएं। तो फाइनली फ्रेंड हम नाश्ते करते हंसते हुए बाबा के दर्शन करके, माता के दर्शन करके वापस समय से अपने घर पहुंच चुके हैं। और जैसा कि हम अपने घर पे स्नान करने जा रहे हैं, उससे पहले हम बाबा का एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए रूणी चके श्याम की, बोलिए सच्ची।
जय मात की जय। देखो जोश, अभी सवारी में जोश, सवारियों के घर पहुंचने का जोश है ये। सुबह 6 बजे शुरू हुई यात्रा शाम को 7:30 बजे जाकर समाप्त हो रही है। ये सवारी अपने अपने घर पर प्रस्थान करती हुई। उपराज भाई साहब का बहुत अच्छा सहयोग रहा आज हमारे इस पूरे सफर में, सारी जिम्मेदारी इनकी रही है आज। चलिए, हम सकुशल यात्रा से घर लौट आए और बहुत ही शानदार सफर रहा पूरे परिवार के साथ। और आप श्रीपाल के इस ब्लॉग को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और इसी तरह साथ बना रहे, आपका प्यार सपोर्ट बना रहे ताकि हम और मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आ सकें। ये हमारे दादाजी की ढाणी है, काका जी यहीं निवास करते हैं। तो आधी सवारी यहाँ पर उतर चुकी है और आधी सवारी जो है गांव में जाकर फाइनल रूप से बस खाली कर देगी। फाइनली दोस्तों, हम अपने गांव सालावास पहुँच चुके हैं और इस यात्रा को पूरा होने में हमें 200+200 वापसी के यानी कि 400 किलोमीटर का सफ़र पूरा करना पड़ा और ये सुखद यात्रा संभव हो पाई है हमारे बस कंडक्टर जीतू भाई की तरफ से। बस ड्राइवर, हाँ बस ड्राइवर, मोस्ट ऑनर जीतू भाई की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। सहकुशल लेकर गए, सहकुशल लेकर आए, बहुत आराम का सफ़र रहा हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापन करते हैं जीतू भाई को। जीतू भाई हाई कर दो एक बार हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों, शुभ रात्रि।